क्रैश गार्ड लेके आया हूँ वो हिमाचल वाली राइड पे ना, यहाँ से क्रैश गार्ड यहाँ से और यहाँ से निकल गए थे। तो भाई लॉन्डो अब सीन ये है कि हमारे आदिश भैया थोड़े से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बाइक को लगा रहे हैं ऐसे। वैसे तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं लाइटें, बट स्टिल न्यूट्रल में करो कि अंदर ये जाता है एग्जॉस्ट की पाइप में। पहचाना? वो उसमें लगा हुआ ऑलरेडी, दूसरे वाले में लगा हुआ। ये आते हुए अपना लॉन्डा सिद्धांत भाई। तो गाइस इसके अंदर लग रखा है एससी प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट, देखते हैं। तो ये रहा एससी प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट। ये देख रहे हो भाई रिएक्शन कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पर खड़े हैं बाइक के पास में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वेलकम बैक वेनम आर्मी। आज का यार ये सीन है, ये किसकी बॉल नीचे जा रही है? अच्छा बच्चे खेल रहे हैं। तो भाई अभी हम है आदिश भैया के घर पे, एंड यहाँ पे क्या बात है भाई अभी हमें आदिश भैया घर पे, एंड ये अपना मोटर ब्लॉग वाला सेटअप रेडी कर रहे हैं। देखो हमारे ग्रुप में ना, हर एक ग्रुप में क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो ना कार गाय से सीधा बाइक गाय में टर्न कर देता है अपने आप को, और ये वो बंदा है भाई। आते आते ना बहुत तगड़े रिएक्शंस मिल रहे थे कि मैं क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ना पटाखे बज रहे हैं। क्रैश गार्ड लेके आया हूँ वो हिमाचल वाली राइड पे ना, यहाँ से क्रैश गार्ड यहाँ से और यहाँ से निकल गए थे। इंटरकॉम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया और मेरा इंटरकॉम सेम है, देख रहे हो ये वाला सेम इंटरकॉम है। अभी मौसम ना बहुत बढ़िया हो रखा है जम्मू में, तो बड़ा मजा आने वाला है आज। टाइम हो गया ऑलमोस्ट 3:14। तो भाई लॉन्डो अब सीन ये है कि हमारे आदिश भैया थोड़े से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बाइक को लगा रहे हैं ऐसे। एंड ऐसे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें करना है पोल्यूशन का टेस्ट इस पे। अरे भाई ये क्या हो गया, ये किसने एक्रोपोविक का स्टिकर निकालने की कोशिश की है भाई इसमें से? भाई कोई बड़े शैतान बच्चे हैं। आरसी दू को ये भी पता चलने वाला है आज कि बाइक्स में पोल्यूशन कैसे होता है जिन लोगों को नहीं पता है। यार बड़ी गंदी लग रही है यार, मैंने हिमाचल की राइड के आने के बाद से ना धोई नहीं है बाइक को, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा साफ करूँ। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत है तो मैं घर जाकर आराम से इसको प्रेशर वॉश से प्रॉपर साफ कर दूंगा। को ना ये भी दिखा देता हूँ मैं, इसकी आगे वाली लाइटें। वैसे तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं लाइटें, बट स्टिल इतनी प्यारी लग रही है। न्यूट्रल में करो। अच्छा इसके अंदर ये जाता है एग्जॉस्ट की पाइप में 4-5 महीने बाद। तो भाई हमारे जो भैया ये ना मोस्टली ये नोएडा जाते रहते हैं, इनका भाई धंधा है वहाँ पे नोएडा में, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये। ये तो हीरो टेन है ना, बिजनेसमैन लोग। हम देखो हम गरीब लोग भाई हीरो 7 पे चल रहे हैं अभी भी। इतना बड़ा है भाई ये, देख रहे हो गाइज, ये है हीरो 10 भाई साहब। ऑलमोस्ट कितने का? 55 का पड़ता है ये। हमने 50 रुपये दे के बचाए हैं अपने 2 से 3 हज़ार रुपये। कैसे? क्योंकि चला होना जाता भाई हमारा 2 से 3 हज़ार रुपये का, और 6 महीने का भाई ये मिला है हमें। क्या नाम है आपका? अमृत। तो भाई हमें अमृत भाई मिले हैं, तो भाई बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मिलते रहते हैं ना हमारे। जी बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लगता है ऐसे हमारे साथ ना साथ की मिलते हैं और इंटरेक्शन होता है। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया। हमारी यहाँ पे आर्मी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। चलो ओके ब्रो, बाय बाय। चले तो भाई जम्मू में हो रही है अभी बहुत ही कड़ाके वाली ठंड, हालत ऐसी हो जाती है ना ठंड के टाइम पे। तो चलो सिटी का हाल, अगर हम हाईवे पे जाएंगे ना, हाईवे पे तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की ठंड लगने वाली है। आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो थ्रो क्या तगड़ा है इसका लाइट का। इसे ऑफ करते बेचारे आगे वाले को दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम आ रखे हैं सरवाल में। अब छोटी छोटी गलियाँ देख के आप लोग समझ जाओ भाई, हर जगह ही रिएक्शन मिलते हैं। अब तो अपनी बाइक में, मतलब कहीं से भी चले जाओ ना रिएक्शन मिलते ही मिलते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, स्कूटी पर हम मारेंगे और गलती से उन्होंने ब्रेक छोड़ दी ना, सीधा मेरी कमर में घुसेंगे। मेरी नहीं आपकी, आप पीछे बैठे हो ना, बस खत्म। फिर आदिश कॉल टाटा गुड बाय गया। विंगलेट कहाँ पर है? विंगलेट अभी मैं वापस लगा दूंगा इस पर, आज शाम को शायद लगा दूंगा या फिर कल मैं लगा दूंगा वापस विंगलेट। पहले क्रैश गार्ड वाला काम निपटाएंगे। थोड़ा सा डर रहता है कि यार अगर बाइक गलती से नीचे गिर जाएगी तो नुकसान हो जाना अच्छा खासा। इससे अच्छा कि भाई क्रैश गार्ड जो हमारे पास पड़े हुए हैं, खर्चा भी नहीं करना भाई, पड़े हुए अपने पास, वो लगा लेते हैं इसमें, और कोई भी दिक्कत आएगी तो वो झेल लेंगे क्रैश गार्ड। आप लोगों ने वैसे तो ऑलरेडी देख लिया होगा विंगलेट्स का लुक कैसा था और कितना बढ़िया लग रही थी अपनी 390 नहीं, इसको हम बोलेंगे 1M 2.0, एक ही बात है वैसे तो। चलो क्या बात है, छोटे मोटे लीन्स आते हुए हमारे रास्ते में, एंड अधिक मजा दे रहे विजय लीन्स का। यहाँ से लेफ्ट आपको आज पहली बार दिखाएंगे, यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है, थोड़ा सा इसको ओवरटेक मारेंगे एंड ये खुल जाता है बहुत ही बड़ा चौक। गाइस अब यहाँ से लेफ्ट चलेंगे घूमट की तरफ, रोमी भैया यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, उनसे अपना थोड़ा सा ना हेल्प लेते कि भाई दिक्कत आ चुकी है अपने क्रैश गार्ड में। वैसे मैंने 1 घंटे पहले ही उनको ना बता देते कि रोमी भैया मैं आने वाला हूँ। हाँ सिद्धांत भाई कहाँ हो? हाँ मैं हूँ यहाँ पे, आधा घंटा हूँ। पहचाना? अच्छा रूमी भी अंदर है?
उनको कॉल करता हूँ मैं अभी। यार क्रैश गार्ड निकल गए इसमें से, ये दूसरा वाला है, वो उसमें लगा हुआ ऑलरेडी, दूसरे वाले में लगा हुआ है। बस बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? आपको भी बधाई है भैया। ये वाला इधर लग जाएगा और वो वाला उसमें घुस जाएगा अंदर। हाँ सेम ऐसा, उसमें भी वही है, ऊपर वाले में नीचे वाले में, एक बार ये देखना पड़ेगा। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कौन है, ये रोमी भैया है। तो भाई कैसे हो रोमी भैया, आप बताओ क्या चल रहा है, आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे आज, कुछ नया ज्ञान? तो भाई न्यू ईयर की बधाई आपको यहाँ से रोमी भैया की जगह से, मतलब जगह कोई और है, इन्हीं के पास हमेशा आते हैं। अभी हमारी बाइक में हो रहा है काम, क्रैश गार्ड लग रहे हैं ऐसे, तो मेरे निकल गए थे ना ये वाले क्रैश गार्ड, तो इनका नेट लूज हो गया पता नहीं कैसे, दोनों निकल गए, तो टाइट नहीं हो रहा था मेरे से, इसको शायद अंदर से भी टाइट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता ये शॉप कहाँ पर आती है, मैं बता दूँ, ये शॉप जो है कुंदन भैया की है, ही इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ दिस शॉप, एंड ये शॉप पड़ती है गुमट वाले एरिया में, एंड मोस्टली जितने भी बाइकर हैं ना सब मोस्टली यहीं से काम कराते हैं, क्योंकि यार ठीक है आपको क्वालिटी काम मिल रहा है। ये आते हुए अपना लौंडा सिद्धांत भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को आज, जो प्राउड ओनर है शॉप के, उनसे यहाँ पे मिल रही है हैप्पी न्यू ईयर की विशेस, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल ऑफ यू। जी जी, कुंदन ऑटो गैरेज की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दैट्स व्हाई मैं अपनी ड्यूक 390 हमेशा यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड अभी 3-4 महीने में अगर सुपर बाइक जो आ रही है हमारी, तो वो भी यहीं पे काम खोल कर टाइट गई है। नहीं खोल के आपने कुछ बत्ती बुत्ती लगाई अंदर? हाँ बहुत परफेक्ट टाइट हो गया यार, क्या बात है यार, बड़े ट्रेंड हो। क्या नाम है आपका? प्रदीप। तो भाई प्रदीप भाई ने हमारा यहाँ पे काम किया भाई अपनी बाइक में। लौंडे हिमाचल की ट्रिप के बाद क्या लग रहा है आज? लाइए भाई मैंने खुद भाई 12 दिन बाद अपनी बाइक चलाई है, वन ऑफ द लेजेंडरी बाइक से भाई, देखते हैं। तो भाई जिसके अंदर लग रखा है SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट, देखते हैं। तो ये रहा SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट, अत्यंत लाउड है, अच्छी खासी लाउड है, फुल सिस्टम करा रखा ना विदाउट कैट, बहुत ज्यादा लाउड हो रही है। एरो के हैंडल्स हैं, SC का अपना पूरी किट है यार, पूरी किट तो कुंदन ऑटो गैराज को इसके लिए नहीं बधाइयां, जीनोसो के लिए। ये देख रहे हो भाई रिएक्शन कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पर खड़े हैं बाइक के पास में। भाई सपोर्ट करो यार, रोमी भैया को भी सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल हम गरीब को भी सब्सक्राइब करी दो, बाकी तो यार अच्छा काम हम करते रहेंगे यार भाई देख रहे हो 2022 के अंदर हमने खुशियां बांटनी है सिर्फ, क्यों भैया? तो भाई यूनिस भाई ने भी हमारे बाइक में एक बारी काम किया था, और हम भूलते नहीं यार जो भी अच्छा काम करते हैं ना हमारी बाइक में। तो भाई यू फाइनली हम आ रखे हैं साहिल भैया के यार ऑफिस के बाहर, एंड ये रहे हमारे साहिल भैया, इनको भी न्यू ईयर की बधाइयां। ठीक है आज हमारा पहला दिन है न्यू ईयर का। ये सिद्धांत भाई की बाइक आपको थोड़ी सी वैसे दिखाई चुका हूं ऑलरेडी मैं हिमाचल की राइड में, बट एक बार फिर से देख ही लो बाइक कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है। तो हम लोगों ने सिटी को छोड़ दिया है, एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़े पहाड़ वाले रास्ते पे, रास्ता यहाँ से जाएगा भाई जम्मू कश्मीर हाईवे को ज्वाइन करतेगा। तो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये देख रहे हो ये वाला एरिया मेरे को ना बहुत फेवरेट प्लेसेस में से एक आता है, लेफ्ट साइड जंगल है, राइट साइड पे इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, और अपने साथ कितने बढ़िया बाइकर साथ में है, और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को। तो रेव बॉम्ब मारते हुए ये है अपना मेन स्पॉट जहाँ पर हम आते हैं हमेशा, और यहाँ पर हम भाई स्नैक्स वगैरह खाते हैं, वहाँ पे IIT है, और ये रहा भाई हमारी बाइक यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा गवर्नर जा रहा है क्या? तो भाई अब सीन ये है कि यार अभी हम निकलेंगे घर की तरफ, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो लोग पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बड़ी सी ना मोटिवेशन मिल जाती है आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। एंड यार वेदर देखो कितना प्यारा वेदर हो रखा है, एंड वाइड एंगल में यार व्यू आता है नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, तो भाई बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है अब राइड्स में, एंड आई होप आप लोगों को आज के व्लॉग में मजा आया होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।